बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 94। आज हम नेक्स्ट थ्री न्यूमेरिकल्स करेंगे, 4, 5 एंड 6। न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टेटमेंट इज अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब एट 1 ATM। एक गैस है, उसका वॉल्यूम है हमारे पास 800 सेंटीमीटर क्यूब, और इस टाइम प्रेशर जो है वो है 1 ATM प्रेशर। When it is allowed to expand, जब उसको expand किया जाएगा, जब वो फैल जाएगी गैस to 1200 सेंटीमीटर क्यूब। अब expansion होगी तो उससे क्या होगा, गैस ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, 800 से हो गया 1200 सेंटीमीटर क्यूब। What will be its pressure in mm of Hg? अब हमने इसका प्रेशर फाइंड करना है, बट इन mm Hg। इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर गिवन है, फाइनल वॉल्यूम भी बता दिया गया है, हमें फाइनल प्रेशर फाइंड करना है। बट यहाँ पे इनिशियल प्रेशर का जो यूनिट है वो ATM में, और फाइनल प्रेशर का जो यूनिट है वो हमने मिलीमीटर ऑफ मर्करी में फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा इसका लिखेंगे, इनिशियल वॉल्यूम V1 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल प्रेशर P1 से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल वॉल्यूम V2 से। ये तीनों चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड हमने करना है फाइनल प्रेशर, इसको P2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमने यूनिट जो है इसका मिलीमीटर ऑफ मर्करी में फाइंड करना है। नॉइज़ के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो बॉयल वाला फार्मूला है, बॉयल्स ला वाला, P1 V1 = P2 V2। इस रिलेशनशिप को हम यूज़ करेंगे। अब इसमें हमने फाइंड करना है फाइनल प्रेशर, P2 फाइंड करना है, V2 की वैल्यू गिवन है, तो इसको हम ले आएंगे दूसरी साइड पे। इसको जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, तो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे P2 की वैल्यू आ गई, P1 V1 over P2 V2, ये इसका आ गया एक्सप्रेशन। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास P2 की वैल्यू आ गई है 0.66, बट यहाँ पे ये यूनिट जो है वो ATM में है। और मैंने आपको बताया था ATM से अगर मिलीमीटर ऑफ Hg में कन्वर्जन करनी हो डायरेक्ट आपने, तो इसको आपने जो भी वैल्यू होगी ATM की उसको आपने 760 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस वैल्यू को 760 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमीटर Hg में वैल्यू आ जाएगी। अगर वैल्यू मिलीमीटर Hg में होती और हमने ATM में कन्वर्ट करना होता तो फिर हम 760 को डिवाइड करते, लेकिन ATM से mm Hg में लाना है इसलिए 760 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फाइनल वैल्यू है हमारे पास फाइनल प्रेशर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट इज, इट इज़ डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस फ्रॉम 87.5 टू 1118 सेंटीमीटर क्यूब। के हम चाहते हैं कि वॉल्यूम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, गैस की अमाउंट फिक्स है और उसका वॉल्यूम हमने इंक्रीज करना है। मींस गैस की अमाउंट नहीं इंक्रीज करनी, जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना है, इनिशियल वॉल्यूम उसका 87.5 है, तो यहाँ से हम इंक्रीज करके 118 करना चाहते हैं। वाइल होल्डिंग द प्रेशर कॉन्स्टेंट, और इस दौरान प्रेशर कॉन्स्टेंट रखेंगे, हम प्रेशर नहीं चेंज करेंगे। वट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर इफ़ द इनिशियल टेम्परेचर इज 23। इनिशियल टेम्परेचर 23 है तो हमें फाइनल टेम्परेचर कितना इसको देना पड़ेगा कि इसका वॉल्यूम हम इंक्रीज करें। तो इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन है, हमने फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर भी हमने फाइंड करना है कि हम कितना टेम्परेचर इंक्रीज करें कि वॉल्यूम इतना हो जाए, 118 हो जाए। इसके लिए सबसे पहले डाटा लिखेंगे, इनिशियल वॉल्यूम V1 87.5 सेंटीमीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम इज V2 118 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल टेम्परेचर T1 23 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास चार्ल्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो करने के लिए हम टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा केल्विन में लेते हैं। केल्विन में जहाँ भी टेम्परेचर की वैल्यू होगी उसको केल्विन में फर्स्ट कन्वर्ट करना है, उसको फार्मूला में पुट करना है, एंड में हम दोबारा से कन्वर्जन कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि 273 को ऐड करते हैं हम, इसमें इस वैल्यू में 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में वैल्यू आ गई। हमने फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है इसका, T2 फाइंड करना है। सो इसके लिए फार्मूला हम चार्ल्स लॉ वाला यूज़ करेंगे, V1 over T1 = V2 over T2। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया कि टेम्परेचर T2 ये वैल्यू हमने, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट करेंगे इस साइड पे और ये V1 शिफ्ट होगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये इन दोनों की प्लेस हमने चेंज कर दी, V2 और T1 एज इट इज़ रहेगा, जस्ट इन दोनों वैल्यूज़ की हमने शिफ्टिंग की, T2 को उस साइड पे ले गए, V1 को इस साइड पे ले गए। अब यहाँ पे अगेन हमें सिर्फ T2 चाहिए क्योंकि T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सब वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो T1 को भी दूसरी साइड पर ले जाएंगे,
टी वन यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इसको जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया वी टू इंटू वी टू मल्टीप्लाई टी वन डिवाइडेड बाई वी वन। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये तीनों वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में, तीनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये टी टू की वैल्यू आ गई है, बट ये केल्विन में आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टी वन है वो हमने केल्विन में इसकी वैल्यू ली है, तो यहाँ पे जो टी टू की वैल्यू आएगी उसको भी केल्विन में लिखेंगे, इसका जो यूनिट है वो केल्विन लिखेंगे। अब इस केल्विन को हम सेल्सियस में हमने कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू इसमें से 273 आप माइनस करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर सेल्सियस में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है टी वन, तो इसलिए हमने टी टू भी सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। बट यहाँ पे इस फॉर्मूला में जब वैल्यू पुट करते हैं तो उसके लिए हमें टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है, 273 वैल्यू उसमें ऐड करेंगे और वापस केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो माइनस करेंगे 273 को, तो ये फाइनल टेम्परेचर आ गया। इट मीन्स कि 126 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर हम प्रोवाइड करें गैस को तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा टू 118 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा उसका। तो ये फाइनल आंसर है। नाउ कम टू पेज नंबर 95। न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट है, अ सैम्पल ऑफ गैस इज कूल्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एक गैस का सैम्पल है, उसको कूल डाउन किया, कूल करने के लिए हम टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, तो टेम्परेचर 30 था, 30 से 10 किया तो गैस को कूल डाउन किया, प्रेशर इस टाइम पे कांस्टेंट रखेंगे। कमेंट, अब इन दो क्वेश्चन का आंसर करना है हमने। फर्स्ट है कि विल द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या वॉल्यूम 1/3 डिक्रीज होगा? वॉल्यूम में तो चेंज आएगा क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ इसका मतलब वॉल्यूम में डिक्रीज होगा, तो लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ये कहा है कि वॉल्यूम 1/3 डिक्रीज होगा, तो ये हम पहले फाइंड करेंगे क्या वॉल्यूम 1/3 डिक्रीज होता है या इससे कम होता है या इससे ज़्यादा। एंड बी पार्ट में हमने आंसर करना है कि इफ़ नॉट, अगर ऐसा ऐसी कंडीशन नहीं है कि वॉल्यूम 1/3 डिक्रीज नहीं हो रहा, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम डिक्रीज, व्हाट रेशियो विल द वॉल्यूम डिक्रीज, तो कितने किस रेशियो में वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा। तो ये हमने दो क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले पहले डाटा लिखेंगे, इसमें इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, टी वन 30 था, इसको केल्विन में कन्वर्ट किया, 273 ऐड की इस 30 में, तो ये केल्विन में वैल्यू आ गई। फाइनल टेम्परेचर टी टू है, ये भी सेल्सियस में, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 10 में ऐड करेंगे, ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर आ गए। नाउ इनिशियल वॉल्यूम हम कंसिडर हमारे पास नहीं है, इनिशियल वॉल्यूम हम 1 कंसिडर करेंगे, क्योंकि वी टू हमने फाइंड करना है कि वॉल्यूम डिक्रीज कितना हुआ है वो हमने फाइंड करना है, एंड देन इन दोनों के रेशियो फाइंड करेंगे। तो V1 हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, एंड फाइनल वॉल्यूम V2 हमने फाइंड करना है, मींस के वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ है ये फाइंड करना है, एंड बी पार्ट में हमने फाइंड करना है इसकी रेशियो फाइंड करनी है V1 ओवर V2 के कितने रेशियो में डिक्रीज आया है। सो ए पार्ट फाइंड करने के लिए, V2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए, हम बॉयल्स लॉ वाला एक्सप्रेशन अगेन यूज़ करेंगे, V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2। इसमें जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो जो अननोन है वो एक साइड पे करेंगे, और जिनकी वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो सब एक साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे फाइंड हमने V2 करना है, T2 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, T2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके V1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आया है V1 इंटू T2 डिवाइड बाई T1, इन तीनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये V2 की वैल्यू आ गई है 0.93, इसको सेंटीमीटर क्यूब में ले लेंगे यूनिट। सो यहाँ से देखें, ये जो डिक्रीज आ रहा है इसमें 1/3 डिक्रीज नहीं आया। No, the volume of the gas will not decrease to 1/3 of its original volume. तो ये ए पार्ट का आंसर है कि 1/3 डिक्रीज नहीं आया वॉल्यूम में। एंड बी पार्ट में उन्होंने पूछा था कि अगर 1/3 डिक्रीज नहीं आया तो रेशियो बताएं V1 V2 की, तो यहाँ पे रेशियो हमारे पास आती है 1:0.93। 1 जो है ये V1 की वैल्यू है और V2 की वैल्यू आई है 0.93, तो ये इतना रेशियो में हमारे पास डिक्रीज आता है वॉल्यूम। यहाँ पे पहले मींस कि इनिशियल वॉल्यूम 1 था, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में भी डिक्रीज आया और वो इतना डिक्रीज हुआ 0.93। सो आज का आपका होमवर्क है, राइट एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4 to 6 ऑन योर नोटबुक एंड प्रैक्टिस ईच न्यूमेरिकल 3 टाइम्स। तीनों न्यूमेरिकल्स की 1 by 1 आपने 3 3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।